मुख्यमंत्री ने किस प्रोसेस के तहत ये सर्वे करवाए ये किसी को नहीं पता। क्या किसी ने पूछा कि आप किस जाति से हैं? नहीं है, ये जानकारी ही नहीं किसी से ली गई है। मेरी पार्टी के 5-6 में से 5 सांसद को तोड़ दिया गया तो क्या हुआ? पार्टी समाप्त हो गई। आज की तारीख में जिस तरीके से जनता का समर्थन हमको मिला, इस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं से भी उचित। घटना के आंकड़े जिस तरीके से मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के द्वारा सार्वजनिक किए गए, जिस दिन ये आंकड़े सार्वजनिक भी हुए थे उस दिन मैं ऑस्ट्रेलिया में था, पर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से भी मैंने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि कहीं ना कहीं इन आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है। जो सही आंकड़े हैं वो अभी भी सामने नहीं आ पाए हैं, और उसका कारण है भैया, सबसे पहले तो पारदर्शिता ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने किस प्रोसेस के तहत ये सर्वे करवाए ये किसी को नहीं पता। बल्कि मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि एक आम सर्वे कीजिए, जो लोग खड़े उनसे जाके पूछिए कि क्या आप लोग के घर लोग आए थे पूछने? क्या किसी ने पूछा कि आप किस जाति से हैं? नहीं है, ये जानकारी ही नहीं किसी से ली गई है। हमारी पार्टी में इतने कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता बताते हैं कि भैया जब उनसे नहीं पूछा गया, तो ऐसे में इसमें जब पारदर्शिता नहीं बरती गई तो ये अपने में दर्शाता है कि ये आंकड़े सही नहीं है। पुनः ये जनगणना होनी चाहिए, इसमें एक जाति विशेष और समीकरण विशेष जिसकी राजनीति मुख्यमंत्री और उनकी गठबंधन के साथी करते रहे उनको बढ़ा चढ़ा कर दर्शाना। और कई ऐसे जमात की कई ऐसी जातियां हैं जो छोटी जातियां हैं, उनके आंकड़ों को कम करके दिखाया गया है। इसमें पूर्णतः राजनीतिक साजिश है, और सिर्फ गठबंधन को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इन आंकड़ों को संभवतः बंद कमरे में बैठ के तैयार कर लिया गया। चिराग जी, जिस तरीके से जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय पार्टी को लेकर बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे? क्या ऐसा है कि भाई दो तरफ नहीं चलाएंगे दूसरे पार्टी को? ये बयान उन्होंने पहली बार नहीं दिया है। क्षेत्रीय दलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी सोच रही है, और इसीलिए वो दल अलग है, उनकी सोच अपनी है। अंतोगत्वा कौन सा दल रहता है, कौन सा नेता रहता है, ये फैसला जनता ही करती है। भाई मेरी पार्टी को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया, साम दाम दंड भेद सब अपना लिया गया। मेरी पार्टी के 5-6 में से 5 सांसद को तोड़ दिया गया तो क्या हुआ? पार्टी समाप्त हो गई। आज की तारीख में जिस तरीके से जनता का समर्थन हमको मिल रहा है, तो अंतोगत्वा कौन सी पार्टी रहती है, कौन सा नेता रहता है नहीं रहता है, ये निर्णय पूर्णतः बिहार की जनता, देश की जनता ही करेगी। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने जिस तरीके से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया, क्या कहेंगे? गाली भरे सब भाई, इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। हम बार बार हम इस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, और पत्रकारों को दी गई या पत्रकारों के साथ किया गया अभद्र व्यवहार कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर ये प्रहार है। जिस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं से भी उचित नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं स्वयं घोर निंदा करता हूँ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल